प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन घटक के स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर डूडा की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिशन शक्ति के तहत अपने किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया और जमकर नारे लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डूडा के आरओ समीम तथा परियोजना निदेशक डूडा विकास सिंह ने कहा, मेरा नाम शमीम है और मैं डूडा में आ रहा हूँ। इसका ये सरकार के पूरे 4 साल पूरे हो रहे हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा गया है। इसी संबंध में ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो अपना पैसा इकट्ठा करके रोज़गार के लिए काम कर रही हैं, तो इनको मिशन शक्ति से भी जोड़ा गया है क्योंकि एक योजना मिशन शक्ति चल रही है, उसके तहत भी ये रैली निकाल रही हैं और इनकी रैली कलेक्ट्रेट से होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर जाएगी जहाँ पर महिलाओं द्वारा उत्पादित सामानों का स्टॉल लगा हुआ है। क्या मकसद है इस रैली का? अपने में आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाएं ये काम कर रही हैं। हाँ सर, ये सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पूरे सप्ताह में श्रमिक कल्याण, नारी शक्ति और जो मिशन शक्ति का जो चल रहा है अभियान, उसी से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उसी सिलसिले में एक जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा ये मिशन शक्ति के अंतर्गत रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ साथ संगोष्ठी, प्रदर्शनी और जो इनके द्वारा जो कुछ हैंडलूम उत्पाद बनाए जाते हैं और जो उससे संबंधित जो टेराकोटा या अन्य छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं उससे संबंधित प्रदर्शनी पूरे सप्ताह के लिए नगर निगम में लगाई गई है, जिसमें कि बाहर के आम पब्लिक से लोग और नगर निगम के एम्प्लॉई सारी खरीदारी करेंगे। होली से संबंधित प्रोडक्ट भी उसमें हैं, तो ये पूरे सप्ताह का कार्यक्रम है जिसको हम आयोजित कर रहे हैं सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में।